हेलो, वेलकम टू आर्टनिक चैनल। इस ड्राइंग को हमने हमारे ड्राइंग वाले सेक्शन में बनाना बता चुके हैं, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लें या ड्रॉ कर लें। कॉपी पर इस तरह से ट्रेसिंग पेपर रखकर इसे पेन से इस तरह ड्रॉ करके रेडी कर लें। इस डिज़ाइन को मैं इस तरह के कैनवास पर पेंटिंग करके फ्रेमिंग करना बताऊँगी, ये इस तरह से रेडी करना भी बताऊँगी। कार्डबोर्ड पर बनाया हुआ है, इसे इस तरह से डिज़ाइन को एडजस्ट कर लें। एडजस्ट करने के बाद में हमारा लेफ्ट हैंड इसमें इस तरह से फिक्स कर लेंगे और इसे पलटा के ये कार्बन वाला पोर्शन, कार्बन का इंक वाला पोर्शन इस पर आएगा। इस तरह से इसे रखें और इसको इस तरह से एडजस्ट कर लें, इस तरह से इसकी ट्रेसिंग कर लें। हल्के हाथ से करें। ट्रेसिंग करते टाइम एक बात का ध्यान रखें, जैसे हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो एक के बाद एक पूरी डिज़ाइन को इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। और ट्रेसिंग कंप्लीट होने पर पूरा एकदम से नहीं हटाना है हमें हाथ, इसे इस तरह से अपोजिट करके चेक करेंगे कि डिज़ाइन कंप्लीट हुई है या नहीं। या जो जुड़ गया है उसे कार्बन हटा के फिर से एडजस्ट करके फिर कार्बन नीचे इस तरह से रख के वापस से इसकी ट्रेसिंग कंप्लीट कर लेंगे। इस पेंटिंग को बनाने के लिए लगा है राउंड ब्रश 2 नंबर एंड 0 नंबर, दोनों राउंड ब्रश लें। फेविकल के फैब्रिक कलर ये है गोल्डन येलो, 09, वाइट 27 नंबर, ये कैमल के फैब्रिक कलर हैं। ये लगा है ब्लैक 16 नंबर, ये है सैप ग्रीन 391 नंबर, लाइट ग्रीन 240 नंबर, रेड क्रिम्सन रेड है ये 062 नंबर, ये है सेरुलिन ब्लू 071 नंबर। ये कैमल के फैब्रिक कलर हैं, ये फेविक्रिल के फैब्रिक कलर हैं। कार्डबोर्ड फ्रेम रेडी करने के लिए इस तरह का कार्डबोर्ड ले लीजिए, ये हमने बॉक्स का एक साइड लिया है, इस तरह का ले लीजिए। और इसमें लगेगा टेप, ये फेविकॉल लगेगा इस तरह का। तो हम इस तरह के नोज़ल वाली बॉटल से भी आप इसे कर सकते हैं, हमने इसे कोन के थ्रू कर रहे हैं। ये है कैनवास, जो टेलरिंग मटेरियल वाली शॉप जो रहती है वहाँ पर आप इसे आसानी से मिल जाएगा। इसे ले लें, ये मीटर में मिलता है, इसे हाफ मीटर 1/4 मीटर ले सकते हैं। एक प्लेन वाइट पेपर लें, जिसे हम पहले कार्डबोर्ड पर पेपर रखेंगे और फिर कैनवास रखकर इसे पूरा पैक कर देंगे, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट लगा लेंगे तो इसमें से इस तरह से इसे थोड़ा सा दिखता है ये अंदर का। इस तरह बनाने के बाद में पीछे हम कैनवास का एक और पीस लगा के इसे पूरा फिक्स कर लेंगे। इसे ड्राई होने देंगे, फिर उसके बाद ही इसे इस्तेमाल करेंगे। इसे फेविकॉल और टेप लगाने के बाद में पीछे इस तरह से कवर करने के बाद में इसे दबा के रख देंगे तो ये अच्छे से फिक्स हो जाएगा। पेंटिंग में हमें पहले ग्रीन वर्क कम्प्लीट करना पड़ेगा, तो इस तरह से डार्क ग्रीन को अप्लाई कर लें हाफ में, फिर लाइट ग्रीन हम इस तरह हाफ में लेंगे और इसे अप्लाई कर देंगे। ब्रश को पोंछ लेंगे। अब जो सेंटर लाइन है उसे मिक्स करना है, तो इस तरह से ब्रश को चपटा चलाते हुए इसे मिक्स करते जाएंगे। इस तरह 2 नंबर के राउंड ब्रश से ग्रीन वाला वर्क कंप्लीट करने के बाद में पत्ती में हम वाइट कलर को अप्लाई करके फिर उसमें थोड़ा सा रेड मिक्स करके इस तरह से उसे पिंक बना देंगे पूरा। ये मिक्स करने के बाद में इसे थोड़ी देर ड्राई होने देंगे, यानी जब तक कि हम दूसरी पत्ती में मिक्स करेंगे ये हल्का सा ड्राई हो जाएगा। फिर हम 0 नंबर के ब्रश में रेड लेंगे और इसकी इस तरह से आउटलाइन करेंगे। अब इसे इस तरह से स्ट्रोक लेना है इसमें, ये यहाँ पे टिकाना है, यहाँ पर हमें इसका झटका देना है, तो ये इसका
स्ट्रोक बन जाएगा। और इन दीवार में इस तरह से फ्लावर की अंदर साइड इस तरह से स्ट्रोक लेना है। इस तरह रेड के स्ट्रोक लेने के बाद में ब्रश को पोंछ लेंगे, बीच में लेंगे वाइट की लाइन। अब इन्हें इसमें भी स्ट्रोक लेना है तो इसे अपर साइड लेना है इस तरह, या तो इसे अपोजिट करके बना लें या इस तरह से भी बना सकते हैं इसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें जिससे हमारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें।